हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है त्रिशक्ति एकेडमी में। आज हम चर्चा करेंगे बिल्कुल ही नए एक सब्जेक्ट पे जिसका नाम है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। यह सब्जेक्ट मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग फोर्थ सेमेस्टर में बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक सब्जेक्ट है। अब हम सबसे पहले इसमें चैप्टर वन के बारे में चर्चा करेंगे जो मेरे पास है, इंट्रोडक्शन ऑफ मटेरियल प्रॉपर्टीज़, जिसमें हम जानेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ मटेरियल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। इससे पहले जब हम इस चैप्टर को शुरू करें, उससे पहले हमें जानना जरूरी है कि हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट में कितने चैप्टर्स को कवर करेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ मटेरियल प्रॉपर्टीज चैप्टर वन, स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन चैप्टर टू, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट चैप्टर थ्री, एंड थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग चैप्टर फोर, चैप्टर फिफ्थ स्ट्रेन एनर्जी, चैप्टर सिक्स स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, चैप्टर सेवन टॉर्जन, चैप्टर एट स्प्रिंग, चैप्टर नाइन थिन सिलेंड्रिकल एंड स्पेरिकल शेप, चैप्टर टेन रिवेटेड जॉइंट, एंड लास्ट वन चैप्टर इज कॉलम्स एंड स्ट्रट्स। सो हमें 11 चैप्टर्स कवर करने हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट में इन फोर सेमेस्टर ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग में। आइए अब शुरू करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल क्या होता है। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इज डिफाइंड, इट डील्स with the behavior of material by studying the internal forces distribution, stability and deformation of material under action of applied forces। यानी ये किसके साथ डील करते हैं, हमारे बिहेवियर ऑफ मटेरियल, यानी मटेरियल कैसा बिहेव करता है जब हम उसको एक्सटर्नल फोर्स देते हैं। यहाँ पर आप देखिए कि मेरे पास कोई रॉड है, इसको जब मैं टेंजाइल फोर्स देता हूँ, किसी भी प्रकार का फोर्स देता हूँ, तो इसमें जो इंटरनल फोर्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें के जो इंटरनली जो इसमें चेंजेस होते हैं, स्टेबिलिटी में जो इसकी जो स्टेबलनेस होती है उसमें जो चेंज होती है, एंड डिफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल, और जो इसमें डिफॉर्मेशन होती है, टेंजाइल फोर्स लगा रहा हूँ तो ये इलांगेट हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, तो इसमें जो डिफॉर्मेशन हुई, जो इसकी स्टेबिलिटी में डिफरेंस आया, और जो इसमें इंटरनल फोर्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, इन सब की स्टडी जब हम करते हैं तो वो है सब्जेक्ट हमारा कहलाता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। यानी इस सब्जेक्ट में हम फोर्सेस के बारे में अध्ययन करेंगे और देखेंगे कितने प्रकार से हम फोर्सेस लगाते हैं, तो उसके इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन पे, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर पे क्या परिवर्तन होते हैं, उसकी स्टेबिलिटी कैसे चेंज होती है, उसमें डिसफॉर्मेशन कैसा होता है, तो ये सब हम देखेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। अब आप देखिए कि जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल, यानी मटेरियल को हमने कैसे क्लासिफाई किया है, तो मटेरियल को हमने दो तरीके से क्लासिफाई किया है, एक मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आप देखिए मेटल्स में भी मैंने इसको दो तरीके से डिफाइन किया है, पहला फेरस मेटल्स एंड अदर वन इज नॉन फेरस मेटल्स। आपको पता है फेरस मीन्स लोहो, लोहो मीन्स आयरन, यानी फेरस मीन्स आयरन, यानी जो फेरस मेटल्स होते हैं उसमें आयरन प्रेजेंट होता है एज मेन कॉन्स्टिट्यूएंट, इसमें आयरन हमारा प्रेजेंट रहता है। इसके एग्जांपल देखिए, एक तो आयरन खुद हो गया और दूसरा स्टील, क्योंकि स्टील क्या है, आयरन का और कार्बन का एक अलॉय है, तो इसमें भी आयरन क्या मौजूद रहता है, तो ये हमारे फेरस मेटल्स के एग्जाम्पल हो गए। अब नॉन फेरस मेटल्स के एग्जाम्पल क्या होते हैं, और नॉन फेरस मेटल क्या होता है, तो नॉन फेरस यानी इसमें लोह नहीं होता, इसमें आयरन नॉट प्रेजेंट, नॉन फेरस मेटल्स आर द मेटल्स इन विच आयरन इज नॉट प्रेजेंट। इसके एग्जाम्पल होंगे मेरे पास जैसे कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया एक्सेट्रा, इनमें हमारे पास आयरन प्रेजेंट नहीं रहता। अब आप देखिए कि नॉन मेटल्स में क्या क्या आता है, नॉन मेटल्स में वो सब चीज़ें जैसे प्लास्टिक हो गई, ग्लास हो गया, रबर हो गई, वूल हो गई एक्सेट्रा, यानी वो सभी चीज़ें जो कंडक्टर नहीं है, सोनोरस नहीं है, लस्टर नहीं है, जो यानी मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ को ऑबे नहीं करती, तो वो सारे मटेरियल हमारे नॉन मेटल्स के अंडर में आते हैं। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल पर कि कितने तरीके की हमारी प्रॉपर्टीज़ होती है मटेरियल की। तो सबसे पहले मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, दूसरा थर्मल प्रॉपर्टीज़, एंड थर्ड वन इज़ टेक्नोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में हमारी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ आती हैं, हार्डनेस, स्ट्रेंथ, टफनेस, डक्टिलिटी, मैलेबिलिटी, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, स्ट्रेन एनर्जी, फैटिक, क्रीप,
ब्रिटलनेस एक्सेट्रा, यानी यह सब हमारी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। थर्मल प्रॉपर्टीज़, थर्मल कैपेसिटी, हीट, स्पेसिफिक हीट, थर्मल एक्सपेंशन। टेक्नोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं मशीनेबिलिटी, वेल्डेबिलिटी, फॉर्मेबिलिटी और कास्टेबिलिटी। अब हम जान लेते हैं कि ये तीनों प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, थर्मल प्रॉपर्टीज़ और टेक्नोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़। यानी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ तो वह प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो बिहेवियर ऑफ मटेरियल कब बताती हैं, जब हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं किसी भी मटेरियल पर। मतलब जब हम किसी मटेरियल पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ आएंगी वो आएंगी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़। जब हम किसी भी मटेरियल को हीट देंगे, किसी भी मटेरियल को हम हीट देंगे तो हम थर्मल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। और टेक्नोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब है मशीनेबिलिटी करेंगे, वेल्डिंग करेंगे, फॉर्मिंग करेंगे या कास्टिंग जब हम करेंगे तो टेक्नोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ हो गई। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पे बात करते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास है इलास्टिक बॉडीज़, सबसे पहले मेरे पास इलास्टिक बॉडीज़, उसके बाद है प्लास्टिक बॉडीज़ एंड थर्ड वन इज़ रिजिड बॉडीज़। अब हम तीनों देखते हैं, तीनों तरीके की बॉडीज़ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है मेरे पास इलास्टिक बॉडीज़ क्या होती हैं। तो इलास्टिक बॉडीज़ आर द बॉडीज़ विच रिगेन सेप आफ्टर रिमूवल ऑफ लोड, यानी जो बॉडी लोड के हटने के बाद अपनी सेप में वापस आ जाएं। जैसे रबड़, जैसे यहाँ पे मेरा कोई रबड़ है, इसको मैंने यहाँ पे फोर्स दिया और आफ्टर फोर्स देने के बाद भी यह इसी स्थिति में रहे तो यह कौन सी बॉडी कहलाएगी मेरे पास, इलास्टिक बॉडी। कौन सी बॉडी कहलाएगी, इलास्टिक बॉडी। अब आता है प्लास्टिक बॉडीज़ क्या होती हैं। तो बॉडीज़ नॉट रिगेन इट्स सेप आफ्टर रिमूवल ऑफ लोड, यानी लोड के हटने के बाद वह अपना सेप क्या करेंगी, रिगेन नहीं करेंगी, तो हम उसे क्या कहेंगे, प्लास्टिक बॉडीज़ कहेंगे। ओके, अब जैसे थर्ड वन आ गया मेरे पास रिजिड बॉडीज़। रिजिड बॉडीज़ क्या होती हैं, ए बॉडी विच डज नॉट चेंज सेप एंड साइज, यानी जो बॉडी अपना ना सेप चेंज करती और ना अपने साइज में कोई परिवर्तन करती, ना आकार में परिवर्तन करती और ना सेप में ना साइज में परिवर्तन करती हैं, तो उन बॉडीज़ को हम कहते हैं रिजिड बॉडीज़। वैसे प्रैक्टिकली ऐसी कोई बॉडी पॉसिबल नहीं है, पर हम किस बॉडी जिसपे मतलब कोई डिफॉर्मेशन नहीं होती उसे हम क्या मानते हैं, रिजिड बॉडीज़। अब हम इसके अगले वीडियो में देखेंगे, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल के बारे में डिस्कस करेंगे, वन बाय वन सारी प्रॉपर्टीज़ को सही से ब्रीफ में समझेंगे। अगर आपको पार्ट वन प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल जो मैंने इसमें समझाया, इसमें हमने सिलेबस पे चर्चा की और इंट्रोडक्शन ऑफ मटेरियल प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ा, चैप्टर वन का पार्ट वन हमने इसमें पढ़ा, अगर आपको पार्ट वन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप हमारे त्रिशक्ति एकेडमी के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।